सनाफ मल्ला के नाम से चर्चित मुकेश साहनी की विकासशील इंसान पार्टी रविवार को महागठबंधन में शामिल हो गई है, जिसमें तेजस्वी ने कहा कि 2019 के चुनाव में राजग बिहार में अपना खाता तक नहीं खोल पाएंगे। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में एक नई पार्टी के जुड़ने से साफ दिख रहा है कि हमारा जनाधार लगातार बढ़ रहा है। इंडोनेशिया के सुंदा खाड़ी में सुनामी की चपेट में आकर 281 लोगों की मौत हो गई, वहीं 1000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक शनिवार देर रात अचानक क्राकातोआ ज्वालामुखी फटने के बाद समुद्र के नीचे भूस्खलन आ गया। इससे उठी ऊंची लहरों ने तटीय इलाकों में तबाही मचा दी। दक्षिण सुमात्रा के किनारे स्थित कई इमारतें तबाह हो गई। आगरा में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाई गई। आगरा के दीवानी चौराहे पर राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ताओं ने चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाई। इस मौके पर दीवानी चौराहे पर बनी चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कवि गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। आज चौधरी चरण सिंह जी की 16वीं जयंती मनाई जा रही सभी जनपदों में, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में सभी लोग किसान दिवस के नाम से इस जयंती को मनाते हैं। मथुरा में, आगरा में, सभी उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में और प्रशासनिक अधिकारी अपने ऑफिसों में मना रहे हैं। आगरा पहुंचे राज बब्बर ने संजलि के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने संजलि के साथ हुई घटना पर दुख जाहिर किया, जिसके बाद राज बब्बर ने पूरी घटना की सीबीआई जांच कराने की मांग की। आपको बता दें कि बीते मंगलवार को लालौ की रहने वाली 10वीं की छात्रा को दिन दहाड़े सड़क पर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया था। बेटा गया है, छोटा भाई है, उसकी बेटी गई है और सभी परिवार के लोगों का कहना ये है और यहाँ पर समाज के लोगों का भी कहना ये है, वो दीगर किसी भी पार्टी के हैं, किसी भी बिरादरी के हैं, सबका मानना ये है कि पुलिस जो है पूरे केस को घुमा रही है, एक अलग लाइन पर जो है पुलिस ले जाने की कोशिश कर रही है और परिवार के लोगों को ही फांसने का काम कर रही है। एटा में शॉर्ट सर्किट से लगी आग से एक ही परिवार के 5 बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए, जिसमें 4 साल के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 4 बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद से पूरे परिवार में कोहराम मच गया है। बैठे हुए थे, ताप रहे थे, तो हमारे भाई और हमारी बहन हमारी पानी भरने के लिए गई थी और भाई हमारे ताप रहे थे बैठ के हमारे पास। जैसे हमने देखा कि हमारे बहन के घर में आग लगी हुई है तो हम भागते हुए बुला के लेके गए बहन को और देखा ऊपर जाके तो तार शॉर्ट हो के वो उस पर गिर गया जाके वॉशिंग मशीन पे, वॉशिंग मशीन जल के और ऊपर मिट्टी के तेल का डिब्बा रखा हुआ था वो भी गिर गया नीचे, तो उसके कारण वो मिट्टी के तेल से और ज़्यादा आग फैल गई। राजधानी लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में एक व्यक्ति ने रुपयों के लालच में अपने ही रिश्तेदार के 14 वर्षीय नाबालिग को बहला फुसला कर अगवा कर लिया। पीड़ित पिता की तहरीर पर राजधानी पुलिस हरकत में आई, जिसके बाद सर्विलांस सेल और क्राइम ब्रांच की मदद से नाबालिग को अपहरणकर्ताओं से सकुशल बरामद किया गया। 4 आरोपियों को भी पुलिस ने धर दबोचा है। नोएडा के एक 4 मंजिला मकान में अचानक आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू कर लोगों को बाहर निकाला गया। आग लगने से 2 बच्चे, 1 महिला सहित 10 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए पास ही के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बहलोलपुर गाँव से करीब 10 लोगों को यहाँ लाया गया था और एम्बुलेंस द्वारा वो सभी आग में जले हुए थे, जिनमें से 2 की हालत ज्यादा गंभीर थी और उन सभी को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वाराणसी में पीजीटी प्रश्न पत्र गलत वितरित होने के कारण परीक्षार्थियों ने हंगामा किया। ज्ञानदीप इंग्लिश स्कूल में प्रथम पाली में पीजीटी की परीक्षा शुरू होते ही परीक्षार्थियों ने हंगामा किया। मौके पर एसीएम चतुर्थ और शिवपुर कैंट थाने के साथ पीएससी तैनात कर दी गई है। जो कलवीट पेपर हुआ था यहाँ पे पहली पारी दूसरी पारी में, आज भी पेपर था पहली पारी में। अब चूंकि पहली पारी का पेपर था पीजीटी का, वो पीजीटी में क्या होता है कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, किसी का हिंदी, किसी का संस्कृत, किसी का जीव विज्ञान, तो चूंकि जैसा स्कूल प्रशासन ने बताया कि सब्जेक्ट मेंशन नहीं थे, थोड़ा सा उनकी लापरवाही से पेपर जो जिस सब्जेक्ट के जिस छात्र को मिलने चाहिए थे, किसी सब्जेक्ट के छात्र को दूसरा सब्जेक्ट का पेपर मिल गया, तो लोगों को लगा कि पेपर आउट हो गया। वैसे पेपर आउट नहीं था, बस यहाँ पे थोड़ा सा क्लासिफिकेशन में गड़बड़ हो गई स्कूल प्रशासन से कि किस सब्जेक्ट को किस छात्र को देना है, ये उन्होंने पहले से निश्चित नहीं किया।
प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने वाराणसी में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 117वें जन्मदिवस पर साप्ताहिक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष ने की। इस कार्यक्रम में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी दो दिवसीय दौरे पर मार्कंडे महोत्सव के लिए वाराणसी पहुंची, जहां उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दर पर माथा टेका। इसके बाद हेमा मालिनी ने मां गंगा के आंचल में नाव से मां गंगा का आशीर्वाद लिया। इस दौरान हेमा मालिनी को देखने के लिए काफी भीड़ उमड़ी। 4-5 साल के बाद शायद मैं आई हूँ यहाँ वापस बाबा जी का दर्शन करने। बहुत ही अच्छा है, वेरी ब्यूटीफुल। उनका आशीर्वाद देना ज़रूरी है, क्योंकि मैं गंगा के ऊपर एक नृत्य नाटिका बनाया है, तो अब जो हम बनारस में ही पहली बार करने वाले हैं।